हेमंत बिस्वा सरमा रांची पहुंचते ही सीधे सीता सोरेन से मिलने पहुंचे। सीता सोरेन से उनकी मुलाकात जो है वो हुई है और बताया जा रहा है कि वो मुलाकात अभी भी चल रही है। बताया जा रहा है कि आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर संगठन को कैसे मजबूत बनाया जाए, इसे लेकर चर्चा हुई। साथ ही सीता सोरेन की नाराजगी की खबरें भी आ रही थी और जिसके बाद मुख्यमंत्री ने उनसे मुलाकात की है और नाराजगी की जो खबर है वो लगातार चल रही है। तो लोकसभा चुनाव में जो सीता सोरेन है वो चुनाव हार गई है, जिसके बाद और भी कई सारे वजह बताया जा रहा है कि किन वजहों से सीता सोरेन नाराज है, उन खबरों को अब तक बताया नहीं जा सका। हालांकि इसका कोई खंडन भी नहीं किया गया है। तो दोनों नेताओं की ये अहम मुलाकात अब खत्म हो गई है। सीता सोरेन और असम के मुख्यमंत्री और झारखंड बीजेपी सह प्रभारी हेमंत बिस्वा सरमा एक दिवसीय दौरे पर रांची पहुंचे और रांची एयरपोर्ट पर उनका भव्य स्वागत किया गया। सीधे सीता सोरेन से उन्होंने मुलाकात की है और ये मुलाकात का दौर भी खत्म हो गया। कहा जा रहा है कि कई मुद्दों पर चर्चा हुई और देखिए ये तस्वीर भी आई है। झारखंड बीजेपी सह चुनाव प्रभारी हैं हेमंत बिस्वा सरमा, असम के मुख्यमंत्री भी हैं और झारखंड के चुनाव में बड़ी जिम्मेदारी ने दी गई है क्योंकि आगामी झारखंड विधानसभा चुनाव नजदीक है और ऐसे में इन्हें सह प्रभारी बनाया गया और शिवराज सिंह चौहान को चुनाव प्रभारी बनाया गया और ऐसे में दोनों बड़े नेताओं की जिम्मेदारी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। नेता है, प्रमुख नेता है, उनका आवास में जाके कुछ समय बिताऊंगा और थोड़ा सा अपना परिचय होने का या झारखंड का बारे में आदिवासी समाज में कुछ सीखने का कोशिश करूंगा। तो यही था यहाँ आने का। सर, अलग से बातचीत नहीं, सीता सोरेन जी से तो मेरा वही बात हुआ कि एक मैं उनके दुमका में मैं चुनाव सभा में गया था, तब भी मेरा ये सरसा हुआ था थोड़ी समय के लिए कि जब दुर्गा सोरेन जी का निधन हुआ था पोस्टमार्टम क्यों नहीं हुआ था उस समय। तो चुनाव उनको आप बाद में बात करने से आपको वो भी बताएगा, वो चुनाव का सभा था, ज़्यादा मैं बात नहीं कर पाया। तो मैं वो समय का स्थिति का थोड़ा सा जानने का कोशिश किया कि इसलिए घर में जब भी एक बेटा का देहांत होता है और वो बेटा घर का बड़े बेटे होते हैं, देहांत का बाद उनका जो सिचुएशन में देहांत हुआ पोस्टमार्टम तो होना जरूरी था, तो पोस्टमार्टम क्यों नहीं हुआ, उस समय घर का हालत क्या था, किसने पोस्टमार्टम होने नहीं दिया, यही सब बारे में मैंने चर्चा किया। पॉलिटिक्स कम चर्चा किया और सीता जी का जो पिता है वो गुवाहाटी में भी काम करते थे, गुवाहाटी रिफाइनरी में, वो भी गुवाहाटी का बारे में काफी जानते हैं, तो वो भी सरसा हुआ मेरा। रीओपन नहीं, मेरा मन में कुछ उत्सुकता था जानने का, इसलिए अगर मेरा घर में ऐसा होते हैं और मेरा बड़ा भाई का देहांत होते हैं, फैमिली प्रेशर डालते हैं कि भाई पोस्टमार्टम ना करो, तो उससे बड़ा दुखदायक घटना क्या हो सकता है। तो मैंने अभी दोनों बेटी भी बड़ा हुआ है, दोनों बेटी पिता का नाम में सामाजिक संस्था भी चलाता है, तो वही घर का ही बातचीत किया और कोई नाराज नहीं चलते है। चुनाव हारने के बाद मन में तो थोड़े दिन दुख होता ही है, लेकिन अलग बात है, पॉलिटिक्स में हारना जीतना होते ही रहते हैं, निकल जाते हैं। दोनों बेटियां बड़ी हो गई हैं, क्या विधानसभा चुनाव में कुछ ऐसा? देखिए, मेरा वो लोग दोनों इतना अच्छा सामाजिक काम कर रहे हैं, बड़ा होने का नाते मैं आशीर्वाद ही दे सकता हूं कि और काम को बड़ा करें। एक मिनट, बातचीत तो
संगठनिक बातचीत हुई है कि अभी आने वाले जल्दी होने वाली है, तो इस विषय पर भी हमने बातों को रखा कि किस तरह से हम लोग यहाँ तैयारी करें और ताकि आने वाले चुनाव में हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में जीत हासिल करें और सरकार भी बनाए। तो ये सब पर भी बात हुई, कई हमको नॉलेज भी दिए कि किस तरह से हम लोग को काम करने पर एक बेनिफिट मिलेगा, बहुत सारे मुद्दे पर हम लोगों ने चर्चा की है। जो दुर्गा सोरेन की जो उनकी मौत हुई थी, बात आ रही थी उसके पोस्टमार्टम के लिए, इस मुद्दे पर अब आगे क्या चाहती हैं? देखिए, हर एक जो भी मुद्दा होता है और इस तरह की जो घटना होती है, जैसे अभी सीएम साहब ने अपने खुद अपने से बताएं कि घर में किसी की जो मृत्यु होती है और इस संदिग्ध हालत में जो मृत्यु होती है तो वो शक के घेरे में आती है, तो वैसे स्थिति में पोस्टमार्टम होनी चाहिए थी जो कि पूरे तरह से पता चलता कि मतलब डेथ जो है कि किस कारण से हुई है। अब वहाँ पर परिस्थिति ऐसे नहीं थी और नहीं हो पाई, वो सब के बारे में हम लोगों ने बात किया और आगे हम क्या बोलें, इसमें तो न्याय मिलना चाहिए। लेकिन तो असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा और सीता सोरेन से ये मुलाकात हुई, इस मुलाकात को कई मायनों में खास माना जा रहा है। हेमंत बिस्वा शर्मा का बयान भी आपने सुना, अचानक दुर्गा सोरेन जो किसी सीता सोरेन के पति हैं उनका स्वर्गवास हुआ था और स्वर्गवास हुआ था जिसके बाद अब सवाल उठने लगे हैं, ये बीच में एंगल नया आ गया कि आखिर उनकी पोस्टमार्टम क्यों नहीं हुई, आखिर किसके दबाव में नहीं हुई। और इसी खबर पर अधिक जानकारी देने के लिए संवाददाता संतोष हमारे साथ जुड़ चुके हैं। संतोष, बंद कमरे में मुलाकात हुई है असम के मुख्यमंत्री और सीता सोरेन की, क्या बातें हो पाई और नाराजगी कैसी सीता सोरेन की जो खबरें चल रही है? देखिए, लोकसभा चुनाव में सीता सोरेन के हार के बाद वो नाराज चल रही थी क्योंकि संगठन के तरफ से जो उनको सपोर्ट चाहिए वो नहीं मिल पाया था लोकसभा चुनाव में, ऐसा उन्होंने बयान दिया था जब चुनाव के लोकसभा का परिणाम आया था। लेकिन उसको पाटने की कोशिश कर रहे हैं असम के मुख्यमंत्री, क्योंकि प्रभारी बनाया गया है झारखंड के, तो लगातार घंटों मुलाकात दोनों का हुआ। लेकिन जब मीडिया से उन्होंने बयान दिया तो उनका साफ कहना है कि एक पारिवारिक मुलाकात था, क्योंकि दुर्गा सोरेन का मौत हुआ था तो उस समय उनका पोस्टमार्टम नहीं कराया गया। तो कई सवाल पर संगठन के मुद्दे पर उन्होंने कहा कि नहीं, हम लोग एक पारिवारिक समझने आए थे, क्योंकि लोकसभा चुनाव के समय हमें बताया गया था कि दुर्गा सोरेन का मौत हुआ था, उसमें पोस्टमार्टम नहीं कराया गया तो उसमें। लेकिन जो अंदर खाने से जो खबर आ रही है कि सीता सोरेन नाराज चल रही थी क्योंकि आने समय में तो विधानसभा चुनाव है तो उसको पाटने की कोशिश में आज जो बड़े नेता है, चाहे वो सीता सोरेन हुए, समीर उराव हुए और कई नेता से अर्जुन मुंडा से मिलने, क्योंकि सब हारे हुए जो बीजेपी के लोकसभा चुनाव से में हार गए हैं। देखना होगा कि सीता सोरेन क्या वाकई में नाराज, अगर नाराजगी उनकी दूर कैसे होती, क्या पार्टी ने बड़ी जिम्मेदारी देगी या फिर देखना काफी अहम होगा। फिलहाल शुक्रिया संतोष खबर पर जानकारी देने के लिए आपका।